तो दोस्तों आज की वीडियो हम जानने वाले हैं कि किस तरह हम चेक कर सकेंगे कि जो बिहार सरकार राशन दे रही है वो आपको कितना राशन दिया है, और राशन जो डीलर है उसने आपको कितना राशन दिया है, और आपका राशन किसने उठाया है। साथ ही साथ ये भी देखेंगे ये कि आपके राशन कार्ड में कितने आदमियों का नाम जुड़ा है, और जुड़ने के साथ साथ उसमें जो आधार लिंकेड है, मेन बात ये है कि उसमें ये देखेंगे कि उनका आधार पूरी तरह लिंक हुआ है कि नहीं। इन सभी बातों को हम आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। सो जानने के लिए जुड़े रहिए लास्ट तक, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे, और इसमें हम एक वेबसाइट को सर्च करेंगे जो कि है aeos.bihar.gov.in। इसको हम सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जिसमें हम सबसे पहले वाला लिंक को देखेंगे जिस पर लिखा है AEPDS बिहार। सो हम इस वाले लिंक को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर चले जाएंगे, जो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वेबसाइट आधार इनबिल्ट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, मतलब जो पहले राशन मिलता था वो ऑफलाइन था, और उसमें जो कितना किन के नाम पे आया है, कितना मिला, इसकी कोई जानकारी नहीं होती थी। बट आजकल ऐसा हुआ है कि आप आधार से कहीं भी उठा सकते हैं आप अपना राशन, जो कि हमें इसमें देखना है कि एक किसी राशन कार्ड पर कितना आधार जुड़ा हुआ है, और उस राशन कार्ड पे कितना राशन मिलने वाला है और कितना मिला है। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि उस राशन कार्ड पे अगर कोई राशन उठाया गया है तो वो किसने उठाया है। सो इसके लिए हम यहाँ पे देखेंगे अपने लेफ्ट साइड में RC डिटेल्स लिखा हुआ है, सो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह का कुछ पेज शो होगा, और इस पेज को सबसे पहले क्या करेंगे, इस थोड़ी 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ से हम इस पेज को डेस्कटॉप साइड में कर देंगे, जो कि पहले से हमारा है। आप इसको डेस्कटॉप साइड में कर दीजिएगा। डेस्कटॉप साइड में करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले वाला बॉक्स में से हम मंथ को चुनेंगे, जिस मंथ को आप चेक करना चाहते हैं कि उस मंथ में आपका राशन किसने उठाया है या फिर कितना राशन मिला है, और यहाँ से ईयर को चुनेंगे। और उसके बाद और इस थर्ड वाले बॉक्स में आप अपना राशन कार्ड का नंबर डालेंगे, और इसमें अपना राशन कार्ड नंबर डालने के बाद सीधे हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस राशन कार्ड का पूरा डिटेल्स आ चुका है, जिसमें ये पहले आपका राशन कार्ड का नंबर है, और ये डिटेल्स दिखा रहा है जून महीने का। आप यहाँ पे देखेंगे तो सीरियल नंबर दिया हुआ है, और उसके मेंबर का नाम है, उसके बाद जेंडर है, फिर उस जेंडर का एज है, और उसका स्टेटस भी दिखा रहा है जो कि यहाँ पे एक्टिव है। और यहाँ पे सबसे लास्ट हम देखेंगे UID स्टेटस। अगर यहाँ पर सीडेड नहीं लिखा होगा और कुछ और लिखा होगा तो समझिएगा कि इनका आधार राशन कार्ड में लिंक नहीं है, केवल नाम एडेड है। और जिनका ये सीडेड है, मतलब उनका आधार नंबर पूरी तरह से लिंकेड है आपका राशन कार्ड से, और उनसे जिनका सीडेड लिखा हुआ है वो इस राशन कार्ड पे जाके अपना राशन उठा सकते हैं, और जो कि जाने के बाद वहाँ पे फिंगर लगेगा। सो इस ये ज़रूरी है, जो UID स्टेटस है यहाँ पर सीडर लिखना ज़रूरी है। जिनको लिखा हुआ, जिनके नाम पे ये लिखा होगा सीडर, वही उठा सकते हैं राशन को। दे रहा है कि यहाँ पे शो हो रहा है कि वेट, मतलब गेहूँ जो है वो इस राशन कार्ड पे 6 किलो मिलेगा, और जो राइस चावल है वो 9 किलो मिलेगा। साथ ही साथ ये जो प्रधानमंत्री का गरीब कल्याण योजना में 15 किलो इनको दिया जाएगा, और उसके बाद से उसी में दाल है 1 किलो। यहाँ पे
तीन आदमी हैं इसलिए यहाँ पे गेहूँ 6 किलो है, जो कि एक आदमी पे 2 किलो, और चावल एक आदमी पे 3 किलो है। सो ये डिटेल्स है कि आप एक आदमी पे कितना मिला, या फिर उस राशन कार्ड पे कितना राशन सरकार दे रही है, प्रोवाइड कर रही है। उसके बाद नीचे देखेंगे कि जिस मंथ का आप चेक कर रहे होंगे, उस मंथ का शो होगा कि आपने कहाँ से इस राशन को उठाया है, जो कि आधार इनबिल्ट है। तो आप बिहार के कहीं भी किसी भी क्षेत्र से आप किसी भी डीलर के पास जाकर आप राशन को उठा सकते हैं। सो यहाँ पे शो होगा राशन डीलर का नाम, यहाँ पे शो होगा राशन डीलर की आईडी, और यहाँ पे ऑथेंटिकेशन टाइप जो कि बायोमेट्रिक होगा। उसके बाद मेंबर में दिखाई देगा कि जिसने आपका राशन उठाया है वहाँ पे इसका नाम दिखाई देगा, और ये है एरर कोड। ये बैलेंस होता है जितना लगता है वो राशन कार्ड को उठाने में, और यहाँ पे इसका जो कि सक्सेस हो चुका है। और उसके बाद है डेट, मतलब कब आपने इस राशन को उठाया है। तो इस ये जो जून वाला मंथ का जो उठाया गया है वो यहाँ पे मेंबर है रीना कुमार, इन्होंने उठाया है 30 जून को ये राशन उठाई है। तो इनको कितना कितना मिला है उसका डिटेल्स उसका नीचे दिया हुआ है। यहाँ पे इनका नाम है, और यहाँ पे उनके अवेलेबल FVDS का नंबर है, जो कि राशन कार्ड डीलर का नंबर है, और यहाँ पे मंथ है। उसके बाद यह है आप किस तारीख को उठाई थी, इसका यहाँ पे डेट शो होगा। उसके बाद से ऑथेंटिकेटर टाइप, और यहाँ पे देख सकते हैं गेहूँ का जो वज़न है 6 kg, और चावल का है 9 kg, और यहाँ पे है प्रधानमंत्री वाला गरीब कल्याण योजना का 15 kg आपको राइस दिया जाएगा, और उसी के अंतर्गत 1 kg दाल भी, मतलब ये इनको प्रोवाइड किया गया है, नेट पे चढ़ चुका है। अब ये बात अलग है कि जो डीलर हैं वो उनको हैंड ओवर करे या ना करे, अगर ऐसा कोई बात आता है तो आप चेक कर कंप्लेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सब कुछ ऑनलाइन है और आप पूरी तरह देख सकते हैं कि आपके नाम पे कितना राशन आया है, सरकार आपको कितना दे रही है, और आपके नाम पे कितना वहाँ से दे दिया जाता है ऑनलाइन, जो कि चढ़ चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं अगर उसमें कोई डीलर आपको कम देता है और यहाँ पे शो पूरा होता है, तो आप उसको कंप्लेंट कीजिए कि हमारे नाम से इतना आया है तो इतना ही दीजिए। सो इसमें आप देख सकते हैं कि सभी के आधार कार्ड उनके नाम से, जो जिनका नाम यहाँ पे शो कर रहा है उनका आधार यहाँ पे सीडेड है, मतलब लिंकेड है, और अगर इस पे ऐसा नहीं दिखाई दे समझिएगा कि उनका आधार इस लिंक नहीं है। सो उनका आधार लिंक कराना पड़ेगा तब वो राशन उठा सकते हैं, अदरवाइज जिनका सीडेड होगा वही उस राशन को उठा सकते हैं। बताना था कि आपके राशन कार्ड पर सरकार कितना दे रही है राशन, और आपको कितना मिल रहा है, और आप अपने राशन कार्ड में जुड़े मेंबर्स के आधार कार्ड की भी स्थिति को जान सकते हैं कि आपका राशन कार्ड में जिन व्यक्तियों को जोड़ा गया है उनका आधार कार्ड लिंकेड है या नहीं, और आपको जो राशन डीलर आपको राशन प्रोवाइड कर रहा है वो कितना दे रहा है, आपका सभी डिटेल्स को यहाँ पर चेक कर सकते हैं। सो वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और भी लोगों को शेयर करें, ताकि उनको भी मालूम हो और वो भी अपना राशन कार्ड पूरी तरह जांच सके और इसका पूरी तरह फ़ायदा उठा सके। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।